नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अक्षता जौली और आप देख रहे हैं द ऑटरिंग चैनल। बात करते हैं आज की कुछ राजनीतिक खबरों की, जो कि है इस तरह। भारत अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ बातचीत करेगा, हमें किसी की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं। ये है जयशंकर जी का स्टेटमेंट। तो दर्शकों, देखते हैं आगे की खबर, जो की है इस तरह। विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि भारत अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ बातचीत करेगा, देश को इसके लिए किसी की मंजूरी लेने की कोई जरूरत नहीं है। विदेश मंत्री ने रायसीना डायलॉग में कहा, हम इस बात पर भरोसा होना चाहिए कि हम कौन है, ना कि दुनिया की खुश करने के लिए ये दिखाने का ये क्या है। यही विचार कि दूसरे हम परिभाषित करते हैं कि हमें अनुमोदन की आवश्यकता है और ये एक ऐसा युग है जिसे हमें पीछे छोड़ने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने ये भी कहा कि एक अंतर जो हमें दिख सकता है वह ये है कि भारतीयों ने दुनिया को दिखा दिया है कि वे एक मजबूत लोकतंत्र है। यूक्रेन संकट के बारे में विदेशी मंत्री ने दोहराया, इस संकट से निकलने का सबसे अच्छा तरीका लड़ाई को रोकना और बातचीत को आगे बढ़ाना है। जयशंकर ने मंगलवार को कहा था कि जब नियम आधारित व्यवस्था खतरे में थे और इन्हें ताक पर रख दिया गया था, तब दुनिया का देश कहाँ थे। यूक्रेन और रूस संघर्ष पर भारत के रुख के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने ये भी कहा कि जब एशिया में नियम आधारित व्यवस्था को चुनौती दी जा रही थी, तब हम यूरोप से सलाह मिली थी और व्यापार करें, कम से कम आपको ऐसी सलाह नहीं दे रहे। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान में जो हुआ वे स्पष्ट रूप से बताता है कि नियम आधारित व्यवस्था कहाँ थी या फिर क्या थी। चीन का नाम के लिए बिना जयशंकर ने ये कहा कि एशिया में बीजिंग के आचरण से पैदा हुए सुरक्षा खतरों के युद्ध यूरोप में असंवेदनशील रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि यूक्रेन चीन के लिए एक उदाहरण मात्र नहीं है, क्योंकि पिछले एक दशक से एशिया में क्या हो रहा है उस पर यूरोप का ध्यान भी नहीं है। यूरोप की ओर से बहुत सारे तर्क दिए जा चुके हैं कि यूरोप में जो चीज़ें हो रही हैं और एशिया में जो चीज़ें हो रही हैं उनकी चिंता करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एशिया में भी हो सकता है। सोचिए, पिछले 10 वर्ष से ये चीज़ें एशिया में हो रही हैं, भले ही यूरोप में इन पर ध्यान नहीं दिया। यही यूरोप के लिए एक मेकअप कॉल है और ये एशिया पर ध्यान देना शुरू करे। यही दुनिया का अस्थिर सीमाओं, आतंकवाद और नियम आधारित व्यवस्था के लिए निरंतर चुनौतियों वाला हिस्सा है। बाकी दुनिया को ये समझना होगा कि ये समस्याएँ होने वाली हैं, बल्कि हो रही हैं। जी हाँ दर्शकों, तो यही थी आज की राजनीतिक खबर। आगे की राजनीतिक खबरों को देखते रहिए हमारे चैनल को, यानी कि द ऑटरिंग चैनल को, और हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, लेती हूँ आपसे विदा। अगली बार मिलूंगी मेरे साथ, यानी मेरे यानी अक्षता के साथ। धन्यवाद।